उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंडोगा में चंडीगढ़ के लिए चलने वाली नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंडोगा हरोली चंडीगढ़ बस सेवा सुबह 4:45 पर पंडोगा से चलेगी और ट्रिपल आईटी सलोह, लॉ कॉलेज बडेढ़ा, हरोली टाहलीवाल, अजोली से होते हुए बायाश्री आनंदपुर साहिब चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब के होशियारपुर से सटा पंडोगा जिला का सीमावर्ती गांव है। पंडोगा निवासियों सहित आसपास के ग्रामीणों और ट्रिपल आईटी सलोह में शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे विद्यार्थियों को इस बस सेवा से सुविधा मिलेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का विस्तारीकरण और सुधारीकरण किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिल सके। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली रामपुर पुल पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके उपरांत उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। देखिए, एक तो ये पंडोगा से जो पंजावर सड़क जा रही है, ये नए सिरे से बना के तैयार की जाएगी। इसका हम जल्दी टेंडर करने वाले हैं और ये बेहतरीन सड़क बना के तैयार की जाएगी। पंडोगा और पंजावर बीच में विलेज खड आता है, तो गांव को जोड़ने वाली ये इम्पोर्टेंट सड़क है, तो इस सड़क को हम शुरू कर रहे हैं। और इधर हमारे ईस्टपुर में दमामिया को जो धर्म स्थानों का तो हम कह ही रहे हैं कि वहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, तो दमामिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है कि यहाँ के लोगों की मान्यता के हिसाब से, तो ईस्टपुर से दमामिया के लिए विधायक प्राथमिकता से 7 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है और वो दमामिया तक हम पूरी सड़क बना के तैयार करेंगे। ऐसे ही स्लो से जो है बरसाड़ी के बीच में एक सड़क हम जो है बनाने जा रहे हैं और हरोली से करमपुर तक की सड़क बनाने जा रहे हैं, तो नई सड़कों का निर्माण शुरू कर रहे हैं। पुरानी सड़कों को तो जो ठीक करना वो तो है ही है, और जो हमारा ब्रिज है, हरोली रामपुर ब्रिज है, उसको हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित करने जा रहे हैं। वहाँ पे लाइट्स हमने लगा दी हैं, रेन शेल्टर हम बनाने जा रहे हैं इसी शैली में वहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं और उसके बाद फूड कोर्ट वहाँ पे बना रहे हैं ताकि भी बहुत संख्या में लोग आते हैं तो वो वहाँ पे ब्रिज पे घूमते हैं, और उसके साथ ही एक स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ सुबह बच्चे अगर घूमने आते हैं तो वहाँ पे ट्रैक पे अपने को शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखने के लिए जो भी उनके कदम होंगे वो किए जाएँ। तो अब दूसरा 12 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किए हैं बीत क्षेत्र सिंचाई योजना दो का, वो भी विधायक प्राथमिकता में जो है ट्यूबवेल्स लगने जा रहे हैं 12-13 ट्यूबवेल कुबोवाल में, उसका फाउंडेशन स्टोन बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। और एक दलित बस्ती बीटन में पानी के टैंक की प्रॉब्लम थी वहाँ बनाने जा रहे हैं, एक हीरानगर में पानी की प्रॉब्लम थी वहाँ पे भी टैंक हमने मंजूर कर दिए हैं।